भारत में पल सीमावर्ती कस्बा रुपैढिया में पुलिस कर्मियों का एवं सफाई कर्मियों का किया गया सम्मान। रुपैढिया नगरवासियों ने आज सेंट्रल बैंक चौराहे पर रुपैढिया पुलिस कर्मियों को पुष्प वर्षा तथा गमछा उड़ाकर किया सम्मानित। इस अवसर पर बोलते हुए व्यापार मंडल रुपैढिया के महामंत्री रजा इमाम रिजवी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वैश्विक बीमारी को लेकर किए गए लॉकडाउन का आज पहला चरण सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया है और हम लोग दूसरे चरण में प्रवेश कर गए हैं। इस दौरान नगरवासी स्वयं भी सचेत रहें तथा रुपैढिया पुलिस के दिन रात मेहनत कर इस इलाके में कोरोना को जो उन्होंने मुक्त रखा उसके लिए सहजता के साथ आगे बढ़कर कदम बढ़ाएं और उनका सहयोग करें। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद जुबेर फारूकी तथा समस्त सफाई कर्मियों ने भी इस लॉकडाउन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोतवाल प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि सफलता के लिए नगरवासियों का भरपूर सहयोग मिला और इस आशा और विश्वास के साथ अगले चरण में भी परस्पर सहयोग मिलता रहेगा, तभी हम कोरोना नामक बीमारी का मुकाबला कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि दिन रात पुलिसकर्मी आपकी सेवा में लगी है, हम लोग अपने परिजनों से दूर रहते हुए भी आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस दौरान कई मीडिया कर्मी सहित आरती मुन्ना, कोटेदार, मोनू मिराज, जमाल आज लोग उपस्थित रहे। न्यूज प्लस इंडिया रुपैढिया, संतोष शुक्ला। रुपैढिया में स्थानीय लोगों ने किया पुलिस का हार्दिक अभिनंदन और अभिनंदन के साथ जलपान की भी व्यवस्था कराई गई है। थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह, थाना कोतवाली प्रभारी रुपैढिया अपने दल बल के साथ लोगों के बीच आए और लोगों से अपनी बात कही। कोई अगर भूखा प्यासा है या किसी को किसी तरह की कोई समस्या है तो उसके निदान की भी बातें की। हमारे बीच उपस्थित है एक युवा जो स्थानीय वासी हैं, ये बर्थनवा का पड़ता है मोहल्ला रुपैढिया ग्राम पंचायत केवलपुर, जहां एक युवा की ये आज भावनाओं को कद्र करते हुए देखा गया कि पुलिस वालों को सम्मान किया, अपने ही खर्च से उन्होंने जलपान की व्यवस्था की। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस खान, मैं भी भारत नेटवर्क में काम करता हूँ और मैं और हमारे मोहल्ले वासियों ने मिलजुल के पुलिस वालों के जो दिन रात मेहनत करते हैं कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में अपना काम करते हैं, 24 घंटा दिन रात मेहनत करते हैं और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के लिए अपना दिन रात अपना घर परिवार छोड़ के हम लोग की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे पुलिस जाबाज पुलिस वालों को हम सम्मान करते हैं और ये मोहल्ला वासी भी सम्मान करते हैं। इसी वजह से आज हम लोग ने ये सोचा और समझा तो इसलिए हमने आज ये प्रोग्राम रखा कि जितने भी रुपैढिया के पुलिस स्टाफ हैं उनका हम सम्मान करेंगे। स्थानीय वासी होने के साथ साथ आप कोरोना सारथियों का सम्मान भी कर रहे हैं और ऐसे में अपने लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कोरोना एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी है, मेरी भी अपील है जनता से कि आप लोग भी इस महामारी में सजग रहिए और बिल्कुल प्रशासन का सहयोग कीजिए, जो शासन का आदेश है उनके आदेश को सुनिए और उनके आदेश को मानिए और प्रशासन का आदेश है कि कोई भी आदमी बाहर ना निकले। मैं भी अपील करूंगा घर से बाहर ना निकले। बोलो यहाँ पे आप लोगों ने बुला के पुलिस विभाग का गौरव बढ़ाया है, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि आप लोगों ने इस पुलिस प्रशासन को इस योग्य माना और हमारी मेहनत को आपने स्वीकार किया है। मैं इसके लिए पूरे रुपैढिया वासियों का धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह ये कोरोना की बीमारी चल रही इसमें आप लोगों ने देश का साथ दिया है, अगले लॉकडाउन के दौर में भी आप इसी तरह देश का साथ देंगे और मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब लोग अपनी सफाई पर ध्यान दें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, एक दूसरे का शरीर टच ना हो, एक मीटर की जो दूरी बनाने की बात की कही गई है वो माने, साफ सफाई पर ध्यान दें, अननेसेसरी आवागमन न करें, खाने पीने में परहेज करें, सादा खाना खाएं, जितना गुनगुना पानी पी सकें उतना गुनगुना पानी पिएं। और फिर से आपसे गुजारिश है कि जिस तरह कोरोना की लड़ाई में रुपैढिया वासियों ने एक मिसाल कायम की है, अगले भी लॉकडाउन के दौर में आप इसी तरह मिसाल कायम करेंगे और देश का साथ देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।